बस्ती वालों को नीच या छोटी जाति देखकर वो देखते हैं या हमारे साथ व्यवहार करते हैं, हमारे साथ जो दूसरी बिरादरी ऐसा व्यवहार करती है, हो सकता है उन कहने वाले भाई ने सही कहा हो, लेकिन हम अपने आप को देखें, हम उस अल्फाज के ऊपर, उस लफ्ज के ऊपर कितने खड़े उतर रहे हैं। हमने अपनी नस्लों को सुधारने की फिक्र तो की है, लेकिन कहते हैं कि तालीम का खर्चा ज्यादा है, जबकि हमारी कौम के जिम्मेदार या दूसरी भी कौमों के जिम्मेदार वो चाहते हैं कि तालीम से ही रोशनी है। हाँ, दहेज एक बुरी लानत है, लेकिन शादी के नाम पर जितनी रसूमात है वो सब की सब लानत के काबिल है। क्या हमारे यहां गांठों का नजम नहीं है? क्या हमारे यहां सतवासों का नजम नहीं है? इससे क्या हम सामने वाले को बोझिता नहीं कर रहे हैं? क्या शादी बगैर गांठ के नहीं हो सकती? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख हम उठा कर देखें कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किस तरीके से अपने अपनी बच्चियों की शादी की है। क्या हमारी शादी बगैर दहेज के नहीं हो सकती है? क्या हमारी नस्लों के अंदर इजाफा बगैर बारात के, बगैर नीचे के, बगैर शोर शराबे के जो कर लिया जाए उससे वो काम नहीं होगा? यकीनन दोस्तों, नेक शादी, भली शादी, अच्छी शादी वो है जिसके अंदर फजूल खर्ची ना हो। आज हम देखते हैं कि दहेज के नाम पर हम इतना सामान दे देते हैं, घर में रखने की जगह नहीं है, बरसात से बचाने की जगह नहीं है, धूप से बचाने की जगह नहीं है, वो किसी काम के नहीं है सिवाय माँ बाप के ऊपर बोझ बनने के। आज अगर हमने पहल की है तो हम इस चीज की भी पहल करें, हमारे बच्चे इस चीज की पहल करें कि हम जिस मैदान में आगे बढ़ रहे हैं, चाहे हम पढ़कर डॉक्टर बने, चाहे हम इंजीनियर बने, ये हमने अपने मुकद्दर से, अपने इस रोजी को, अपने जो तालीम के ऊपर जो मुकद्दर से लगाई है वो हमारे माँ बाप ने अपने खून पसीने से लगाई है, ना कि दूसरे की बच्ची लाने के लिए, दूसरे के बच्चों को खरीदने के लिए। नहीं, इस चीज से भी बचा जाए। रसूमात हमारे अंदर बहुत सी बनती हुई है, हम रसूमात से बचने की कोशिश करें। और मैं भी अपनी तरफ से जब मुझे मौका मिलेगा अपने कौमी दिनों के लिए, इंशाल्लाह मैं रात दिन जब मुझे रब्बे कह लिया है तब मैं इंशाल्लाह आपके बीच हाजिर होऊंगा। इसी बात के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।